Balaji, grade 9. Today we are going to discuss about this health theory. The topic is health theory. So first of all, I want to tell you about who was this health theory. So first of all, two scientists come in 1839. First one is Belgian botanist Schelder and other one is German zoologist Schwann. It means two scientists first 1839 comes who propose about the health theory. They are one is botanist Schelder and other one is zoologist Carl Schwann. And after the 1839, there will be another scientist come in the world who describes some extension point about the cell theory. Who extension about the cell theory? The extension about the cell theory was the cell arises from pre-existing. Means cell comes from the cell. एक सेल जो मैच्योर हो जाता है तो डिवाइड होकर एक सेल से ये एक सेल है वो डिवाइड होकर दो सेल बन जाएंगे कितने बन जाएंगे दो इट मींस सेल इज प्री एग्जिस्टिंग इन नेचर सेल कम फ्रॉम अदर सेल एंड दीस आर द मेन फोर पॉइंट्स यू कैन से अबाउट द फोर फीचर्स अबाउट द सेल थ्योरी नंबर 1 इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप फ्रॉम वन और मोर सेल्स मींस के यहां पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं जो एक सेल से बने होंगे उनको बोलेंगे यूनिसेलुलर्स और जो एक से ज्यादा मजीद सेलों से बने होंगे उनको बोलेंगे मल्टीसेलुलर्स यूनिसेलुलर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं और वी आर गुड एग्जांपल अबाउट द मल्टीसेलुलर जो भी हमें दिख रहे हैं वो सारे के सारे यकीनन मल्टीसेलुलर्स होंगे यूनिसेलुलर को हम नहीं देख सकते सो द सेकंड पॉइंट इज दैट द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल रोल प्ले करता है स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे हमारा एक बिल्डिंग ब्रिक से बनी होती है इसी तरह हम जो है एनिमल्स या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं फंक्शनली कैसे होगा जैसे कि हमारे हेपेटिक सेल्स होते हैं लिवर सेल्स होते हैं वो सारे के सारे लिवर का काम क्या होता है फिल्ट्रेशन प्रोटेक्शन ऑफ द ब्लड ब्लड का काम करना होता है नेफ्रॉन सेल्स होते हैं उनका काम होता है फिल्ट्रेशन द वाटर यूरिन बनाते हैं किडनी बनाते हैं किडनी जो बनी होती है नेफ्रॉन सेल से बनी होती है जैसे कि हमारे ब्रेन सेल जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं न्यूरॉन का काम होता है जैसे जावट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो ये सारे के सारे जो सेल होते हैं वो रोल प्ले करते हैं स्ट्रक्चरली एज वेल एज द फंक्शनली हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली सेल से बनी है इट मींस वी आर कंप्लीटली मेड अप फ्रॉम द सेल लिविंग सेल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सेल से बने कुछ जो एनिमल्स हैं कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो एक सेल से बने और जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक से ज्यादा सेल से बने जो एक सेल से बने होंगे उनको बोलेंगे यूनिसेलुलर जो एक सेल से ज्यादा बने हैं उनको बोलेंगे मल्टीसेलुलर तो थर्ड पॉइंट आ गया द न्यू सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइडेड इनटू टू बाय द सेल डिवीजन ये जो पॉइंट थी ये एक्सटेंशन पॉइंट थी ये थी हमारे साइंटिस्ट ने रॉड ऑफ ब्रिचो ने इन द ईयर ऑफ 1855 वो ये पॉइंट थी कि एक सेल ये जो एक सेल है ये डिवाइड होता है ये एक सेल डिवाइड होता है जब ये मैच्योर बन जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल की जो डिवीजन होती है वो स्टार्ट होती है न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में बन जाता है फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें एक ग्रुप बनता है दोनों साइड से जब ये ग्रुप बन जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा दो सेल में मतलब एक सेल डिवाइड होगा दो सेल में दो सेल चार में चार आठ में मतलब सेल कम फ्रॉम अ सेल एक सेल दूसरे सेल से ही आता है जब ये हम इसको बोलते हैं सेल इज अ प्री एग्जिस्टिंग इन नेचर और जो लास्ट पॉइंट है अबाउट द सेल थ्योरी दैट इज द सेल द कंटेन द हेरिडिटी मटेरियल द हेरिडिटी मटेरियल व्हिच इज पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू द जनरेशन सेल में एक मटेरियल होता है जो जनरेशन टू द जनरेशन पास होता है उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी मटेरियल हेरिडिटी मटेरियल का मतलब ये होता है कि हमें जो पेरेंट्स से विरासत में मिलता है कुछ करैक्टर्स मिलते हैं जैसे कि हमारी आईज का कलर जैसे कि आईज का कलर हमारी मम्मी का ब्राउन है तो हमारा सम टाइम ब्राउन आ जाता है या सम टाइम हमारी अबू के यहां जो अबू का कलर ब्लैक है तो ब्लैक कलर हो जाता है या जैसे कि हमारे हेयर का कलर है ब्लैक होते हैं ब्राउन होते हैं ऐसे ये करैक्टर्स मिल रहे होते हैं व्हाइट ब्यूटी कलर हो गया ब्लैक ब्यूटी कलर हो गया जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे वैसे हमारा कलर होगा हेरिडिटी मटेरियल में सिर्फ अच्छे करैक्टर्स नहीं मिलते हेरिडिटी मटेरियल से हमें कुछ डिजीजेस भी विरासत में मिलती है जैसे डायबिटीज की डिजीज हो गई हाई का कम होना डिजीज हो गई ब्लड प्रेशर हो गया ये सारी डिजीज हेरिडिटी मटेरियल में ट्रांसफर होती है थैंक यू